हेलो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं कंपनी लॉ कंपनी लॉ का ये लेक्चर नंबर 19 है और आज के लेक्चर के अंदर हम कंपनी लॉ को आगे बढ़ाएंगे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि कौन कौन सी कंपनीज़ को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होता है आज के लेक्चर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है वो है मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो मैं आपको विथ डायग्राम के जरिए समझाऊंगा जिससे आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा और बड़ा मज़ा भी आएगा देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनीज़ को अपॉइंट करने होते हैं लिस्टेड कंपनीज़ को अपना टोटल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो उनका कितना परसेंट वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ज़रूरी है और जो अनलिस्टेड कंपनी कौन सी अनलिस्टेड कंपनी जिनकी पेडअप शेयर कैपिटल दस करोड़ से ज़्यादा हो जिनका टर्न सौ करोड़ या उससे ज्यादा हो जिनके आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंड डिबेंचर डिपोजिट पचास करोड़ या उससे ज्यादा हो तो उनको कम से कम दो कम से कम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे आइए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और मीनिंग देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो मीनिंग है वो सेक्शन नंबर 149 के क्लोज नंबर सिक्स के अंदर दे रखी है और क्या कहती है तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीनिंग को आपको समझना है तो इसके पॉइंट्स हैं है ना तो उन पॉइंट्स को हम समझेंगे तो ये मीनिंग भी समझ में आ जाएगा एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मीन्स भाई कंपनी के रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो मीन है वो मीन है अ डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो एमडी नहीं होता मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं होता जो डब्ल्यू टाइम डायरेक्टर नहीं होता जो नॉमिनी डायरेक्टर भी नहीं होता जो एनडी भी नहीं होता तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो एमडी नहीं होता तो कभी भी एमडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा होल टाइम डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता ओके okay, नाम ही इसका है ना इंडिपेंडेंट ओके okay. तो कौन होता है फर्स्ट ए पॉइंट एफ तक चलेंगे हम हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ integrity एंड पोजिशन रेलेवेंट एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस जो जिसके पास इंटीग्रिटी हो जो जिसके पास कोई रेलेवेंट एक्सपर्टीज हो एंड जिसके पास कोई एक्सपीरियंस हो अब मैं पॉइंट नंबर सीधा लेके जाऊंगा आपको लास्ट वाले मैंने बोला ना ए से लगाकर कितने पॉइंट हैं ए है फिर बी है फिर सी है फिर डी है फिर ई e है और फिर एफ है अभी हमने कौन सा पढ़ा ए पॉइंट पढ़ा ए पॉइंट में क्या बोल रहा है वो पर्सन जो जिसमें इंटीग्रिटी हो जो एक जिसमें कोई एक्सपर्टीज हो जिसमें कोई एक्सपीरियंस हो, हो जिसको अब ये सब बी सी डी ई पढ़ने से पहले एफ़ पढ़ना पड़ेगा भैया क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए तो वो पॉइंट नंबर एफ में बताई गई है वो मैं आपको बताता हूँ देखो तो सीधा हम चलेंगे पॉइंट नंबर एफ़ पर ठीक है फिर ये मैं बाकी सारे पॉइंट आपको बताऊंगा ये आया आपका पॉइंट नंबर एफ हु पोजेस हुईब एक्सपर्टीज इन किस किस चीज में उसको एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज होनी चाहिए फाइनेंस में फाइनेंस की उसको एक्सपर्टीज होनी चाहिए या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ में हो सकता है मार्केटिंग में हो सकता है मैनेजमेंट में हो सकता है रिसर्च में हो सकता है सेल में हो सकता है टेक्निकल ऑपरेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में या एक्सेट्रा और भी पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं मेन फाइनेंस लॉ मार्केटिंग मैनेजमेंट रिसर्च सेल टेक्निकल ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको एक्सपर्टीज होनी चाहिए वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है केवल दो पॉइंट है नहीं ये तो ए और एफ था अब पढ़ेंगे बी सी डी ओके चलिए जी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर हमारे बी पर बी से स्टार्ट करते हैं तो ये रहा बी हु इज और वाज नॉट वो नहीं होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए ऑफ द कंपनी कंपनी का प्रमोटर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता तो पहले तो हम पढ़ ही चुके कौन कौन नहीं बन सकता है ना एमडी नहीं बन सकता डब्ल्यू नहीं बन सकता नॉमिनी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता प्रमोटर भी आ गया आपकी कंपनी का प्रमोटर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता ओके okay. और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज़, देखो प्रमोटर कौन कौन सी कंपनी का प्रमोटर कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता तो एक तो जो कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते उस कंपनी का प्रमोटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता ओके okay. एक इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है या फिर इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है या फिर इस कंपनी की जो एसोसिएट कंपनी है खुद कंपनी का प्रमोटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी का प्रमोटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का डायरेक्ट प्रमोटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता इस कंपनी की एसोसिएट कंपनी का प्रमोटर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता तो अब मैं इन इन कंपनीज को बार बार नहीं लिख के मैं नाम लूंगा दीज कंपनीज इनको मैं बोलूंगा दीज कंपनीज अब दीज कंपनीज जहां बोलूं उसका मतलब क्या आ गया होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी या जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर कंपनी तो नहीं होती है लेकिन कई बार जॉइंट वेंचर भी करते हैं तो ये जॉइंट वेंचर ये दीज कंपनीज आ गई इस कंपनी की ये सारी रिलेटेड कंपनीज हो गई तो इनका प्रमोटर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता ओके ठीक ये पॉइंट हो गया आपका बी नेक्स्ट नेक्स्ट आता है सी पॉइंट सी पॉइंट क्या कह रहा है कोई भी पर्सन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है आई यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है, हैज नो मॉनेटरी रिलेशन नाउ और ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर करंट ईयर में और करंट ईयर छोड़कर पिछले दो सालों में कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसका मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कोई पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए जिस व्यक्ति को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हो ना उसका अभी और पिछले दो सालों में कोई भी मॉनेटरी पैसों का मनी का रिलेशन नहीं होना चाहिए किसके साथ वो कंपनी के साथ उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ सब्सिडरी कंपनी के साथ एसोसिएट कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के साथ ये सारी किसकी हमारी जो कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं उस कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर और इन सब कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर ऑफ दीज कंपनीज इन सभी में से किसी के भी साथ जिस व्यक्ति को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं उसका मॉनिटरी रिलेशन नहीं होना चाहिए अभी और पिछले दो सालों में हां पिछले दस साल में कभी था चलेगा ओके okay. ठीक नेक्स्ट डी हैज नो मॉनिटरी रिलेशन नाउ और ड्यूरिंग टू इमीडिएटली इमीडिएटली प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी ज्वाइंट वेंचर और इनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए हम जिस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं कैसा रिलेशन फॉर मॉनिटरी रिलेशन लेकिन मॉनिटरी में कैसा फॉर एन अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग लोअर ऑफ इनमें से जो भी कम अमाउंट आएगा वो वैसा रिलेशन एक तो है टू परसेंट ऑफ ग्रॉस टर्न ओवर इन सब कंपनीज का मिला के दो परसेंट ग्रोस टर्न ओवर और टू परसेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ दीज कंपनीज इन सब कंपनी की मिला के जो टोटल इनकम है उसका टू परसेंट कैलकुलेट कर लो और पचास लाख इनमें से जो भी अमाउंट कम आए उससे उस ज्यादा रिलेशन नहीं होना चाहिए पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए ओके नेक्स्ट ई ई पॉइंट क्या बोलता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है हाँ एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसका कोई भी रिलेटिव अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है तो देखो बड़ा सिंपल है कोई भी पर्सन जो होता है उसका रिलेटिव कौन कौन हो सकता है कोई भी पर्सन जो होता है उसका रिलेटिव कौन कौन हो सकता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 277 के अंदर इसकी डेफिनेशन दे रखी है तो देखो एक पर्सन खुद और हस्बैंड और वाइफ ये दो जने हो गए हाँ ठीक है ये दोनों आपस में रिलेटिव माने जाएंगे हस्बैंड और वाइफ ठीक इसके अलावा और कौन रिलेटिव हो सकते हैं जैसे मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूँ तो मेरे रिलेटिव कौन कौन हो सकते हैं एज पर कंपनीज़ के टू तो देखो एक तो मैं खुद रिलेटिव मेरा रिलेटिव मेरी वाइफ तो हस्बैंड और वाइफ मदर फादर सॉरी फादर और मदर पहले फादर फिर मदर याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको फादर और मदर हो गया फिर ब्रदर और सिस्टर हो गया फिर सन सन वाइफ फिर डॉटर के अंदर सेक्रेटरी यानी कि सीएस के तौर पर अपॉइंट नहीं होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटेंट के तौर पर अपॉइंट नहीं होने चाहिए अगर अपॉइंट हो रखे हैं तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता ये खुद पर्सन ओके ठीक जी आगे डज नॉट जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो खुद और उसका रिलेटिव ये दोनों डज नॉट होल्ड मोर देन टू परसेंट वोटिंग पावर इस कंपनी के अंदर दो परसेंट से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और उसके रिलेटिव की किसी भी कंपनी में जिसमें वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट होना चाहता है उसकी खुद की और उसके रिलेटिव की वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए इनके पास दो परसेंट दो परसेंट से ज़्यादा या दो परसेंट वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए यानी कि इन कंपनी के दो परसेंट से ज्यादा शेयर इनके पास नहीं होने चाहिए ओके okay. अगर हुए तो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा ई का लास्ट ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर जो एप्लीकेंट है वो और उसका रिलेटिव जो है हाँ वो नहीं होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इज नॉट अ सी और डायरेक्टर वो सीईओ और डायरेक्टर नहीं होना चाहिए किसका एनपीओ का नॉन फॉर और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों भाई एनपीओ का कंपनी से क्या लेना देना मतलब ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या इसका जो रिलेटिव है वो किसी भी हालत में किसी भी एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है जो ऐसी कंपनीज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता उनका सी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए विद सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग तब जब 25% फाइव परसेंट ऑफ फंडिंग ऑफ एनजीओ कम्स फ्रॉम दीज कंपनीज जब जो एन है ना उसकी पच्चीस उसको डोनेशन जो आ रहा है एनपीओ डोनेशन से ही चलता है तो ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जो 25 परसेंट डोनेशन आ रहा हो ना वो उस कंपनी में जिसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं उसकी होल्डिंग सब्सिडी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट से नहीं आना चाहिए इस एनपीओ के अंदर डोनेशन कितना ट्वेंटी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए अगर आया है तो फिर ये लोग इसके सी और डायरेक्टर नहीं बन सकते एन जी ओ होल्ड मोर दैन टू परसेंट वोटिंग पावर इन द कंपनी अगर जो हमारी कंपनी है उसमें एन जी ओ होल्ड करता है दो परसेंट से ज़्यादा वोटिंग पावर तो उस एन जी ओ के अंदर भी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और रिलेटिव जो है वो उस एन जी ओ उस कंपनी के अंदर इनडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं किए जा सकते तो मतलब डायरेक्ट एन जी ओ से रिलेशन नहीं है इनका इनडायरेक्टली है कंपनी होल्ड कर रहे हैं डोनेशन कर रही है वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है एन जी ओ कंपनी के अंदर तो एन जी ओ और उस कंपनी के अंदर एक रिलेशनशिप बन गया है ना एक रिलेटिव हो गए एक दूसरे के फिर उस आ, के अंदर अगर ये लोग रिलेटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अगर सी और डायरेक्टर है किसमें इज नॉट अ सी और डायरेक्टर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसका रिलेटिव उस एन के अंदर सी और डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं किया हुआ हो इन्होंने वरना ये उस कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं कर सकते हो सकते है ना तो मैंने सिंपली आपको जो है इस मुश्किल डेफिनेशन को सिंपल बनाने की कोशिश करी है आई होप आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कोई कमी रही हो तो भी बताइएगा ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए सी डब्ल्यू जी फॉर बी कॉम वहाँ पर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज के लिए इतना ही तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू